कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी से सुबह के बज चुके हैं 10:30 और अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज का कलर है ब्लू, रॉयल ब्लू। तो देखते हैं आज शाम का क्या होता है। एक्चुअली क्या हुआ है ना, आज सबने प्लान किया है कि सब लोग नौवारी साड़ी पहनेंगे, ठीक है। तो मेरे पास नौवारी साड़ी है नहीं, मतलब रेडीमेड वाली। और अभी क्या है ना, सावारी से भी नौवारी पहन सकते हैं, लेकिन मेरा ये कन्फ्यूजन है कि अगर मैं नौवारी में गरबा ही नहीं कर पाई तो। एक्चुअली मुझे साड़ी, घाघरा, इसमें गरबा करना थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है क्योंकि हम जैसे चीज़ें से कर नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे जो है ना, एकदम स्लो स्लो होता है। मतलब मैं जब हमारे घर वहाँ पे रहती थी ना, मेरे मायके में, वहाँ पे तो एकदम ऐसे खतरनाक वाला गरबा होता था। मतलब उस वहाँ पे तो मैं साड़ी और घाघरा इसमें तो कर ही नहीं सकती थी, इतना खतरनाक वाला हम गरबा करते थे। यहाँ पे तो मैं आराम से कर सकती हूँ ऐसे। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि नौवारी साड़ी मुझे अकेली पहनना होगा, तो मुझे तो जमेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो मेरी हेल्प कर दे पिनअप वगैरह करने में। दूसरी बात कि परी को संभल के मैं उतना अपने आप को पहना पाऊँगी कि अकेली, क्योंकि उसके लिए तो मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे और परी को संभल के उतना करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये बात। तो मैं देख सोच रही हूँ क्या करूँ। कभी लग रहा है कि नहीं, पर रैबिट है, रैबिट ब्राह्मण है। तो मैं सोच रही हूँ परी के पास तो नौवारी साड़ी है तो परी को पहना दूँ। मेरा कन्फर्म नहीं है पहनना है कि नहीं, पर देखते हैं। और रही बात कि नवरात्र में नौवारी साड़ी क्यों, तो एक्चुअली ना ब्राह्मण है, ब्राह्मण सब लोगों ने ऐसा सब ने मिल के सोचा कि नौवारी साड़ी पहनते। अभी घाघरा पहन के हो गया, ड्रेस पहन के हो गया सबका, बॉय बॉय, तो इसलिए सोचा कि चलो आज नौवारी साड़ी पहने, तो इसीलिए उन्होंने सोचा। तो मैंने सोचा ठीक है, वैसे भी रेडी होकर फ़ोटो शूट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे तो। कैट है कैट, तो इसीलिए तो परी को तो मैं पहनाने का सोच रही हूँ नौवारी साड़ी। मेरा कन्फर्म नहीं है, देखते हैं अभी मेरा क्या होता है और आज का दिन कैसे जाएगा। तो आज मुझे एक्चुअली मेरा जो ग्रॉसरी वो सब मैंने अभी बीच में जाके फिर से लेकर आई थी, तो वो सब अच्छे से साफ करके रखना है, अंदर का बाहर निकालना है, बाहर का अंदर डालना है, वो सब करना है। और 2-3 दिन से ना एक्चुअली परी की मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गोष्ट सांगो सांगते 2 मिनट। तो परी को भी सर्दी हुई है, मुझे भी हुई है। मेरा कल तो इतना खतरनाक वाला सर दर्द हो रहा था कि मैं दोपहर तक सोई पड़ी थी, फिर दोपहर के बाद थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा था। आज मैं बहुत अच्छे से ठीक हूँ, सर्दी भी बहुत कम है और सर दर्द भी नहीं हो रहा है। परी का अभी भी नाक बह रहा है और उसको खांसी भी हो रही है। तो क्या है ना, अभी इतना है तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कल रात को हम उसे नहीं लेके जाने वाले थे, लेकिन मैडम ने ऐसी पीछे पड़ी ना कि जाना ही पड़ा। और वो ऊपर आने के बाद रोती भी है कि भाई मुझे ऊपर क्यों लेकर आए, मुझे वापस जाना है। तो रोते रोते वो ऊपर आती, उसको ज़बरदस्ती उठा उठा के लाना पड़ता है, क्योंकि 10:30 बज जाते हैं। एक तो पहले परी को सोने का टाइम है 9 से 10 के बीच में, फिर भी उसका 10:30 10:45 बज, अभी घर आने के बाद भी उसे फ्रेश करो, उसने में और 15-20 मिनट निकल जाते हैं फिर सोने का। शोर है शोर, तो थांबा 1 मिनट। तो इसीलिए ना हम थोड़ा जल्दी लेके आते 10:30 बजे के आसपास, 10:15-10:30 बजे। चोर है तो परी चोर है, तो इसीलिए हम परी को 10:15 बजे के आसपास लेकर आते। लेकिन मैडम रुकती नहीं है, उसको नीचे मज़ा आता है, ऊपर आने के बाद थोड़ा फ्रेश व्रेश कर दिया तो फिर हो जाती नॉर्मल, फिर सो जाती तुरंत ऐसा। तो देखते आज का दिन कैसे जाता है। चलिए मैं बहुत बातें कर ली, मैं काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे आज पूरे दिन में घर में ही बहुत सारे काम है। और पिछले 2 दिन से ना कुछ काम से बाहर ही घूम रही हूँ, बाहर के बहुत सारे काम थे वो कर लिए। तो आज मैंने, और कल भी मुझे बाहर के काम है वो भी करने, कल मैं सोचा आज का पूरा दिन ना मैं घर में घर के सारे काम करूँ, क्योंकि बहुत सारे घर के भी काम पड़े हैं। किचन क्लीन करना है, मैंने बहुत टाइम से किचन क्लीन नहीं किया है, 1 हफ्ता हो गया है। ग्रोसरी का सब रखना है, वो भी आके 1 हफ्ता हो गया होगा। घर क्लीनिंग करना है थोड़ा बहुत, तो वो सब घर के काम आज करूँगी और कल फिर से बाहर के काम करूँगी। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे मैं सारी ग्रॉसरी अरेंज करके रख रही हूँ। तो मैंने जो पहले का था ना वो सब निकाल के साइड में रखा, और जो जिसमें मैं ग्रॉसरी रखती हूँ ना, ये स्टील की टाकी, तो उसको मैंने अच्छे से धो लिया, क्योंकि उसमें ना एक ऑयल का पैकेट फूट गया था। एक्चुअली कुछ महीने पहले मैंने ग्रॉसरी अरेंज का वीडियो शेयर किया था, उसमें मुझे किसी ने कहा था कि तुम तेल का पैकेट ऐसा मत रखना, नहीं तो कभी फूट गया तो तुम्हें परेशानी होगी। और ये सच में हो गया क्योंकि मैंने बोला था मैं नहीं रखूँगी, लेकिन फिर भी कभी होता था ना कि एक्स्ट्रा तो चलो रख दो, तो ऐसे मैंने एक रख दिया था और वो पैकेट फूट गया। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन धीरे धीरे तेल गिर रहा था, इस वजह से सारे जो वहाँ पे पैकेट थे ना उन सबको ऑयल ऑयल लग गया था, तो इसलिए मुझे सब निकाल के साफ़ करना पड़ा। और टाके को भी अच्छे से धो के मैंने सुखा के फिर इसमें रखना किया।
तो मैंने जो अभी नए पैकेट्स लाए वो पहले रख दिए, और जिनके पुराने थे उनकी डेट्स वगैरह चेक कर ली, क्योंकि एक आटे का पैकेट मुझे फ्री आया था किस चीज़ के साथ, रिलायंस में ऑफर था 1500 के ऊपर आटे का पैकेट फ्री ऐसा कुछ था, तो उसमें तो मैं डेट चेक कर रही थी कि कितने टाइम तक चलेगा। और रिलायंस में ना अभी वो कागज़ के जो बैग्स रहते हैं ना वैसे में कुछ पैकिंग करके देते, तो पोहा वगैरह मैंने वैसे लाया था ना, तो वो मैंने अलग से डब्बे में रखा, क्योंकि अगर उसको थोड़ा भी हल्का सा भी पानी या ऑयल लगता है ना तो वो गीला हो जाता है, इसीलिए। तो मैंने यहाँ पे सारा अरेंज करके रखने के बाद हम लोग गए थे शाम को ट्रेंड्स में, हमारे यहाँ पे अभी ट्रेंड्स भी ओपन हुआ है, तो राज को कुछ लेना था तो इसलिए हम मेन सेक्शन में गए थे। तो राज तो अपना ट्रायल वगैरह कर रहे थे, लेकिन परी मैडम ने मुझे इतना परेशान किया, वहाँ पे एक सोफ़ा था उसके साथ वो खेल रही थी, उसको यहाँ वहाँ खिसका रही थी, उसके ऊपर चढ़ रही थी, मतलब जहाँ पे भी जाती है ना परी फुल इन्जॉय करती है वो टाइम, मतलब ऐसा नहीं उसको कोई भी टेंशन नहीं होता है कि घर जाके मुझे सुला देंगे कि क्या करेंगे क्या, कोई टेंशन नहीं, वो अपने लाइफ ना फुल इन्जॉय करती है। और कभी कभी ना मुझे मज़ा आता है कि वो गरबा खेलने जाए, वो वहीं पे इन्जॉय करती है, कोई और लोग मिले उनसे बातें करके मस्त इन्जॉय करती है, जो उसको चाहिए वो करती है। और कभी कभी ऐसा लगता है ये बचपन की लाइफ ना बहुत अच्छी होती है, आपको पता भी नहीं होता आप जो भी करते हो ना वो मासूमियत में हो जाती है और वो सही होती है, अभी वो फुल इन्जॉय करती है। मुझे कभी लगता है कितनी मस्त लाइफ होती है, बच्चे 3-4 साल के हो गए ना कि उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है पढ़ाई का, फिर पढ़ाई करो ये सब हो जाता है, ये लाइफ सबसे बेस्ट होती है। तो चलिए अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नंतर जायचं थोड्या वेळाने, हा पहिले बघ चल आतमध्ये नोजी क्लीन करायची, चल कम गप्पा थोड्या वेळाने जायचं, जाऊया काम ना परी ऐक, हे बघ आपण थोड्या वेळाने जाऊया, ये इकडे ग माझ्या बाळा, ये
एवढं नाही रडायचं बाबू गरब्यासाठी. हां गरबा आता उद्या संपणार, मग काय करशील उद्या? हां आज लास्ट आहे.